नमस्कार, खबरदार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। देश की सबसे बड़ी सुरंग का आज ग्रैंड लोकार्पण हुआ। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बनी चेनानी नौशेरी सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से हुआ, जिसे कट लाइन कही जा रही है। मोदी ने उद्घाटन के बाद उधमपुर में एक रैली को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने विकास और विनाश के पत्थरों का फर्क समझाया। मोदी ने आज जो कुछ कहा उससे दो बातें साफ हैं, कश्मीर को इंडिया से जोड़ने की कोशिशें जारी रहेंगी और कश्मीर में विकास योजनाओं की कारपेट बॉम्बिंग का सिलसिला भी चलता रहेगा। कश्मीर के नौजवान पत्थर काट करके कश्मीर का भाग्य बनाने में लगे हैं। एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। उनको इन संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अमन, तरक्की, खुशहाली और भाईचारे की वो सुरंग है जिसके जरिए केंद्र की मोदी सरकार कश्मीर को आतंकवाद के अंधेरे से बाहर निकालने की उम्मीद कर रही है। पीएम मोदी ने आज इंजीनियरिंग के इस नायाब नमूने को देश को समर्पित किया और ऐसा करते हुए आतंकग्रस्त कश्मीर में एक नए किस्म की राजनीतिक इंजीनियरिंग की भी शुरुआत की। मैं घाटी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके सामने दो रास्ते हैं। जो आपके भाग्य को किस दिशा में ले जाएंगे, एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। मोदी ने कश्मीर की आवाम को बताया कि ये सुरंग महज सीमेंट पत्थरों और तकनीकी से बना ढांचा नहीं है, ये कश्मीर की तरक्की का रास्ता है, उसका भविष्य है, जिसमें पत्थरमार संस्कृति की कोई गुंजाइश नहीं। आप इसे कश्मीर के पत्थरमारों को पीएम की दो टूक चेतावनी भी कह सकते हैं। एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान पत्थर मारने में लगे हैं, दूसरी तरफ उसी कश्मीर के नौजवान पत्थर काट करके कश्मीर का भाग्य बनाने में लगे हैं। मोदी ने यहां आकर कश्मीर को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने का इरादा दिखाया, कश्मीर को उस खूनी अतीत की याद दिलाई जिसने कश्मीर की पीढ़ियां बर्बाद कर दी। 40 साल हो गए, अनेक निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, किसी का फायदा नहीं हुआ। अगर लहू लहान हुई तो मेरी अपनी प्यारी कश्मीर घाटी हुई है। अगर कोई लाल खोया है तो मेरी कश्मीर की मां का लाल हमने खोया है, कोई हमने हिंदुस्तान का लाल खोया है। उधमपुर से यानी अपने कश्मीर से मोदी ने पाकिस्तान को भी आईना दिखाया। पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के लिए मोदी का संदेश साफ था कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सोच, संस्कार और संस्कृति का फर्क देख ले। हम सीमा पार के हमारे कश्मीर के हिस्से के नागरिकों को भी प्रगति करके दिखाना चाहते हैं कि देखिए कश्मीर कैसे विकसित होता है और जिन लोगों ने आप पर कब्जा जमा के बैठे हैं उन्होंने आपको कितना बर्बाद किया है, ये हम करके दिखाने वाले हैं। इस सुरंग को जम्मू कश्मीर की नई लाइफलाइन कहा जा रहा है। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती, राज्यपाल एनएन वोहरा ने आज इस सुरंग का मुआयना किया। मोदी पहले खाली गाड़ी में घूमे, फिर पैदल चलकर घूमा देखा, वो कंट्रोल रूम भी गए, ग्रीन रूम भी गए। ये सुरंग जम्मू कश्मीर हाईवे पर है और देश की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इस सुरंग के शुरू होने से जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी, यानी कि श्रीनगर की घाटी तक पहुंच जाना अब आसान हो जाएगा। पहली बार हिमालय क्षेत्र में इस तरह की सुरंग बनाई गई है। कश्मीर की इकोनॉमी में यह सुरंग मददगार साबित हो सकती है। इस सुरंग को बनाने में
3720 करोड़ रुपए की लागत आई है और ऐसी 9 सुरंगें और बनाने की योजना है। ये कश्मीर को इंडिया से और ज्यादा कनेक्ट करने की बड़ी कोशिश है। मोदी का ये दौरा यकीनन पत्थरबाजी से लहूलुहान जम्मू कश्मीर में विकास का नया माहौल देगा, जिसकी बेहद जरूरत है। चंद रोज पहले भारतीय सेना और आतंकियों के बीच पत्थरबाजों का आना ये संकेत है कि घाटी के हालात लगातार डेंजर जोन में है। कश्मीर जितना भारत के करीब होगा, आतंकवाद से दूरी उतनी ही बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में कश्मीर के युवकों को कह दिया है कि उनके पास दो ही ऑप्शन है, या टूरिज्म या टेररिज्म। और उन्होंने कहा कि जो ये टनल बनाई गई है उसमें काफी लोगों ने, यूथ ने काम किया टनल काटने में और वो पत्थर मारने में लगे हुए हैं। जाहिर है कि उन्होंने पाकिस्तान को भी बिना नाम लिए हुए एक इंडिकेशन दे दिया है कि अपने हालात पहले देखें। कमलजीत सद्दू के साथ अश्विनी कुमार, उधमपुर आज तक। अगर देश का विकास होगा तो जाहिर सी बात है कश्मीर का भी होगा, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। क्या ये बात उन पत्थर मारों की समझ से परे? 2014 में उधमपुर और कटरा के बीच में रेल लाइन, 2017 में भारत की सबसे बड़ी सुरंग। खबरदार में अब हम पीएम नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती की उस केमिस्ट्री का विश्लेषण करेंगे जिसे जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए अच्छा माना जा सकता है। उधमपुर की रैली में महबूबा ने जिस अंदाज में प्रधानमंत्री की तारीफ की, उससे यह भी साफ हो गया कि बीजेपी पीडीपी के रिश्तों में फेविकॉल वाली मजबूती है। देश की सबसे बड़ी सुरंग का उद्घाटन करने आए पीएम नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती की केमिस्ट्री देखने लायक थी। महबूबा ने पहले पीएम के साथ खुली जिप्सी में इस सुरंग का मुआयना किया और फिर खुलकर मोदी की तारीफ की। मोदी जी, मैं ये बात कहे बगैर नहीं रह सकती कि आपकी सरकार और आपने किस तरह पिछले साल बहुत मुश्किल वक्त में मेरा और मेरी सरकार का साथ दिया। आपने किस तरह हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर मोहतरम राजनाथ सिंह जी को हमारे साथ साथ यहाँ पर खड़ा रखा और उस मुश्किल दौर में हमें बाहर आने के लिए हमारी मदद की। महबूबा ने यूपी में बीजेपी की शानदार जीत की बधाई दी तो रैली में मौजूद भीड़ पर मोदी का जादू और गहराने लगा। मोदी मोदी के नारे लगने लगे। मोदी जी, हम सब आपको उत्तर प्रदेश की कामयाबी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी सत्ता में पार्टनर हैं। दोनों की विचारधारा कभी कभी टकराते दिखती है, लेकिन कॉमन एजेंडा के तहत सरकार का कामकाज चल रहा है। पत्थरबाजों से बीजेपी की सख्ती किसी से छिपी नहीं है तो पीडीपी की सहानुभूति भी सबके सामने है, लेकिन जब बात कश्मीर की हो तो मोदी पूरी तरह महबूबा के साथ खड़े दिखते हैं। मैं महबूबा जी को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, मैं उनको बधाई देता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। पिछले वर्ष भारत सरकार ने जो 80,000 करोड़ रुपया का जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज घोषित किया, मुझे खुशी है इतने कम समय में आधे से अधिक बजट का खर्च, पैकेज का खर्च जमीन पे कार्यरत हो गया है। ये छोटी बात नहीं है, वरना पैकेज कागज पे रह जाते हैं, जमीन पर उतरते उतरते सालों बीत जाते हैं, लेकिन महबूबा जी ने और उनकी सरकार ने हर बारीकी को ध्यान देते हुए चीजों को जमीन पर उतारने के लिए जो कड़ी मेहनत की है और जिसके फल नजर आ रहे हैं, मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार, मुख्यमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद, उन सब को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता। जब कश्मीर के विकास की बात आती है तो मोदी सरकार
तन मन धन से जुट जाती है। कश्मीर के लिए केंद्र का खजाना हमेशा खुला रहता है। मोदी ने कश्मीर के विकास के लिए 80,000 करोड़ के मेगा प्लान की घोषणा की थी, जिसमें से 26,000 करोड़ राज्य सरकार को दे दिए गए। केंद्र ने नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट के लिए नई मंजिल नाम से योजना शुरू की है। जम्मू कश्मीर में खेल के ढांचे के विकास के लिए खेल मंत्रालय ने 200 करोड़ का फंड दिया है। केंद्र ने कश्मीर के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड दिया है। और अब मोदी ने कश्मीर को सबसे बड़ी सुरंग का नवरात्र गिफ्ट दिया है। बस यही फर्क है, वो पत्थर फेंकते हैं और यहां पर मील के पत्थर तराशे जाते हैं। खबरदार में अब हम देश की धीमी न्यायिक व्यवस्था को रफ्तार देने वाली कुछ अहम पहल का विश्लेषण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और देश के प्रधानमंत्री यानी लोकतंत्र के दो अहम स्तंभों के सर्वे सर्वा आज इलाहाबाद में थे, जहां हाईकोर्ट के 150 साल पूरे होने पर जश्न का समापन समारोह था। इस समारोह में चीफ जस्टिस और पीएम मोदी ने जुडिशियल सिस्टम में बड़े बदलाव लाने वाले सुझाव दिए। हम आज आपको अपने दिल की बात कहने हैं। चीफ जस्टिस साहब अभी दिल की बात बता रहे थे और मैं मन से सुन रहा था। इसलिए देश के चीफ जस्टिस को भावुक भरी अपील करनी पड़ती है। ये कहना पड़ता है कि मिलॉर्ड अपनी छुट्टी से छोटी कुर्बानी देकर मुकदमों के बोझ से थोड़ी राहत दिला दें। मैं विचार कर रहा था कि अगर एक जज सिर्फ 5 दिन वेकेशन में बैठे और उसके पास ऐसे छोटे मोटे जिसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मगर जिसमें बहुत राहत मिलने की बात है, बेल हो, इंजंक्शन हो, जो भी हो, जो भी आपको अच्छा लगे, अगर हम 5 दिन हर जज दें वेकेशन में तो हम 10 लगाते हैं तो आधे घंटे में, सवा घंटे में खत्म हो जाते छोटे मोटे मामले। तो हर जज 20-25 केस तो कर लेगा। और आज का ये जश्न थोड़ा अलग हटकर था। चीफ जस्टिस खेर हिंदी में दिल की बात कह रहे थे, इंसाफ में देरी पर मन की पीड़ा बयां कर रहे थे। पीएम मोदी तक उनके मन की बात बखूबी पहुंची भी। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपनी मन की बात कहते हैं, सारा देश सुनता है। हम आज आपको अपने दिल की बात कहने आए। चीफ जस्टिस साहब अभी दिल की बात बता रहे थे और मैं मन से सुन रहा था। मैं उनके हर शब्द में पीड़ा अनुभव करता था। कुछ कर गुजरने का इरादा मैं अनुभव करता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 साल पूरे होने का यह ऐतिहासिक मौका था। चीफ जस्टिस की भावुक अपील थी तो पीएम मोदी की तरफ से कुछ शानदार सुझाव भी आए। हम हर स्तर पर टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें? आज हम देख जब देते हैं, आएंगे 2 मिनट लेंगे, बात करेंगे, अच्छा फलानी तारीख, बीवी तारीख, ये सारी मोबाइल फोन पर SMS डेट्स देने की परंपरा क्यों न खड़ी की जाए। आज एक अफसर कहीं नौकरी करता है, उसके जमाने में केस हुआ है, उसकी ट्रांसफर हो गई है, लेकिन अगर उसके जमाने का केस निकलता है तो उसको नौकरी छोड़ करके, अपना इलाका छोड़ करके कोर्ट में जाकर के खड़ा रहना पड़ता है। क्यों न वीडियो कॉन्फ्रेंस से ऐसे लोगों की सुविधा हम खड़ी करें ताकि कम समय में जो चीज पूछ रही है पूछ ली जाए, ताकि उस अफसरों का समय भी शासन के काम में लग सके। पीएम मोदी और चीफ जस्टिस खेहर दोनों ने जुडिशियरी सिस्टम में बड़े बदलाव लाने वाले कुछ असरदार सुझाव दिए। पीएम मोदी ने SMS के जरिए तारीख की सूचना देने का सुझाव दिया।
पीएम मोदी ने जेलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ने का सुझाव दिया ताकि कैदियों को कोर्ट तक लाने ले जाने की झंझट से मुक्ति मिल सके। पीएम ने कानूनों की संख्या कम करने की जरूरतों का भी जिक्र किया और ये भी बताया कि उनकी सरकार अब तक 1200 कानून खत्म कर चुकी है। चीफ जस्टिस ने जजों से 2 महीने लंबी गर्मी की छुट्टी में कुछ दिनों की कटौती करने का सुझाव दिया। चीफ जस्टिस ने निचली अदालत की सुनवाई का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन करने का सुझाव दिया ताकि ऊंची अदालत में केस फाइल करना आसान हो जाए। मोदी ने कैदियों को जेल से कोर्ट लाने में होने वाली दिक्कतों के साथ योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया तो हॉल में जमकर तालियां बजी। जेल से कैदियों को अदालत में लाना, सुरक्षा का इतना खर्चा होता है और उस मार्ग में क्या क्या नहीं होता है सब जानते हैं। अब योगी जी आए हैं तो शायद वो बंद होगा। न्यायपालिका के इतिहास में ये बड़ा मौका है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट देश का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा और पुराना कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1886 को हुई थी। पहले इसकी स्थापना आगरा में हुई। 1916 से ये इलाहाबाद में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जज और 17,000 वकील हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द किया था। जगदम्बिका पाल को यूपी के सीएम पद से हटाने का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही दिया था। अयोध्या जमीन विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही जमीन का बंटवारा किया था। उम्मीद करनी चाहिए कि यहां से किसी बड़े बदलाव की शुरुआत होगी और देरी से फैसले का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर होगा। श्री पूजन झा के साथ कुमार अभिषेक, इलाहाबाद आज तक। हमारी न्यायपालिका मुकदमों के बोझ से बुरी तरह लदी हुई है। मुकदमे रोजाना बढ़ रहे हैं लेकिन जजों के पद खाली पड़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार नहीं हो रहा है। खबरदार में अब हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाते हैं जिसने आपको ये पता चल पाएगा कि हमारा जुडिशियल सिस्टम किस हद तक ओवरलोड है। हमारी जिला अदालतों में 2.5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित है। हाईकोर्ट में 41 लाख से ज्यादा केस लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में 59,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। सबसे ज्यादा 51 लाख केस यूपी की अदालतों में पेंडिंग है। देश में 73,000 लोगों पर एक जज है। जजों के अनुपात के मामले में दिल्ली का रिकॉर्ड सबसे खराब है। दिल्ली में 4,92,742 लोगों पर एक जज है। देश में एक जज के जिम्मे औसतन 1,350 केस पेंडिंग है। जज की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो सिविल केस कभी खत्म नहीं हो पाएंगे। क्रिमिनल केस को खत्म करने में भी 30 साल लग सकते हैं। दिक्कत इस बात की है कि अगर केस खत्म नहीं होंगे तो कानून का खौफ गुनहगारों में नहीं होगा। योगी सरकार के एंटी रोमियो अभियान को लेकर राजनीतिक दल शुरुआत से विरोध जता रहे हैं लेकिन जाने माने वकील और स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण विरोध जताने में सबसे आगे निकल गए। भगवान कृष्ण के नाम का सहारा लेकर उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला लेकिन ये चाल उल्टे उनके ही सिर आकर पड़ गई। किसी को सही लगता है, किसी को ज्यादती। यूपी की योगी सरकार के एंटी रोमियो अभियान को लेकर अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग है जो मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए लगातार जाहिर भी हो रही है। लेकिन केजरीवाल के पुराने साथी और जाने माने वकील प्रशांत भूषण की सोच और अल्फाज सबसे हटकर है। योगी के एंटी रोमियो अभियान को लेकर प्रशांत भूषण ने ट्विटर के जरिए क्या राय जाहिर की सबसे पहले ये देखिए। रोमियो ने सिर्फ एक लड़की को प्यार किया था जबकि कृष्ण छेड़खानी के लिए मशहूर थे। क्या आदित्यनाथ में इतनी हिम्मत है कि वो अपने मुस्तैद दस्ते का नाम एंटी कृष्ण स्क्वाड रखे? प्रशांत भूषण ने तो ट्वीट करके खामोशी ओढ़ ली लेकिन जब उनके बयान पर बवाल मचा तो सफाई देने के लिए उनके साथी योगेंद्र यादव सामने आए। लेकिन भरसक कोशिशों के बावजूद ये बात वो समझ नहीं पाए कि लेकिन जुबानी हमलों से भी आगे प्रशांत भूषण के लिए ज्यादा बड़ी मुसीबतें तैयार हैं। दिल्ली, गाजियाबाद और होशंगाबाद में प्रशांत भूषण के खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायतें दर्ज करा दी गई। लखनऊ में तो कांग्रेस प्रवक्ता जिशान हैदर ने प्रशांत भूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जो दिल्ली में प्रशांत भूषण जी हैं उन्होंने कुछ अश्लील टिप्पणी करी है
उसके विरोध में वो जो है उन्होंने ज्ञापन दिया है कि उसमें उनके विरुद्ध जो है प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए। जो हमने ज्ञापन की उनको पावती दी गई है, नियमानुसार इसमें जो होगा कार्रवाई की जाएगी। विवाद बढ़ने पर प्रशांत भूषण सफाई के साथ एक बार फिर ट्विटर पर आए। हम भगवान कृष्ण की गोपियों से छेड़खानी के किस्से सुनते सुनते बड़े हुए हैं। रोमियो स्क्वाड वाला तर्क इसे भी अपराध बना देगा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। लेकिन तीर तो तर्कश से निकल चुका था, लिहाजा सफाई तो बेअसर ही रही। उल्टे उन्हीं के बयान की तर्ज पर जवाबी तीर भी चल गया। गाजियाबाद के एक शख्स ने प्रशांत भूषण को थप्पड़ जड़ने वाले के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। और अब जरा ध्यान से देखें हमारी इस खास खबर को। खबरदार में हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने वाले हैं जिसे देखकर आपको गर्व महसूस होगा। जम्मू कश्मीर के आतंकियों के खात्मे और पत्थरबाजों पर नकेल के लिए सीआरपीएफ के 500 स्पेशल कमांडो की फौज तैयार की गई है। मध्यप्रदेश के शिवपुरी में इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। देश की जन्नत को ये पत्थरबाज लहूलुहान कर रहे हैं। इनकी हाथों से निकले पत्थर न सिर्फ घाटी में अशांति की लहर के पानी बन रहे हैं बल्कि सुरक्षा बलों की कीमती जिंदगी के लिए भी नासूर बन रहे हैं, क्योंकि अब इनकी ही आड़ में आतंकवादी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। भारत माता की जय, सीआरपीएफ जय, भारत माता की जय। अब लोगों की आड़ में सुरक्षा बलों पर AK राइफलों से गोलियां नहीं बरसा पाएंगे दहशतगर्द। अब कश्मीर की धरती पर आतंक की नहीं चलेगी मनमानी, क्योंकि इन पर प्रहार करने के लिए सीआरपीएफ के स्पेशल 500 कमांडो का खतरनाक दस्ता तैयार हो चुका है। एक एक करके आप इनकी ट्रेनिंग के लिस्ट को सुनते जाइए। पावर क्विक असेंडर ट्रेनिंग, रोम इंटरवेंशन ट्रेनिंग, क्रॉल ट्रेंच ट्रेनिंग, मडाटीनो ट्रेनिंग, लेजर गन ट्रेनिंग, टारगेट शूटिंग एडवांस ट्रेनिंग, अर्बन इंसर्जेंसी ट्रेनिंग, स्टेपिंग स्टोन हाई वॉल ट्रेनिंग और ऐसे ही खास प्रशिक्षण की लंबी फहरिस्त है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, वैसे में विशेष तौर पर सीआरपीएफ के कमांडो तैयार किए जा रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से कमांडो यहां स्लीदरिंग के जरिए यानी रस्सी के जरिए ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। जब भी कोई आतंकी किसी जंगल में छुपता है या फिर किसी बिल्डिंग के अंदर छुपने की कोशिश करता है तो उस दौरान इसी रस्सी के जरिए आतंकियों की धरपकड़ करने के लिए कमांडो बड़े स्तर पर काम करते हैं। इस समय देश की एक बड़ी और गंभीर चुनौती के रूप में सामने खड़ा हुआ है। देश के विभिन्न हिस्सों में जैसे संसद भवन हो, अयोध्या या काशी के मंदिर हों या जम्मू श्रीनगर के एयरपोर्ट हों, ये सारे महत्वपूर्ण स्थान जो हैं वो आतंकवादियों की हिट लिस्ट में रहते हैं। इन विशिष्ट स्थानों की सुरक्षा, जवानों की सुरक्षा और आम देशवासियों की सुरक्षा के लिए हम जवानों को विशेष रूप से जानकर हैरानी होगी कि आतंकियों के खात्मे के लिए स्पेशल कमांडो की टीम को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है जो हर किसी के बूते की बात नहीं है। अब हम आपको इनकी ट्रेनिंग की हर बारीकी को दिखाते हैं जिनके बूते इन्हें फौलाद बनाया जाता है, चाहे वो रूम इंटरवेंशन ट्रेनिंग हो या फिर मडाटीनो ट्रेनिंग, लेजर गन ट्रेनिंग। जरा ध्यान से देखें आप। और बुलेट के बीच देश के जवानों की ये मेहनत हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इन स्पेशल कमांडो को कश्मीर के आतंकियों से लोहा लेने के लिए अलग तरीके से ट्रेनिंग दी गई है। हवा से, जमीन से, पानी से आतंकियों पर प्रहार करने के लिए स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अगर कश्मीर के दहशतगर्द भी इन्हें देख रहे होंगे तो उन्हें भी अमन की राह छोड़कर हथियार उठाने के फैसले पर पछतावा हो रहा होगा। कश्मीर की धरती के मुश्किल हालात को देखते हुए सीआरपीएफ के कमांडो को क्रॉल ट्रेंच ट्रेनिंग दी जा रही है।
शरीर के ऊपर कटीली तार, लेकिन हौसले भी उतने ही धारदार। आतंकी इलाकों में अगर खतरा ज्यादा होता है तो उतनी ही तैयारी सीआरपीएफ के कमांडो की किस तरीके से की जा रही है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ क्रॉल ट्रेंच यानी छोटे छोटे ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं जो कि कटीले होते हैं, यहाँ से निकलना काफी मुश्किल होता है। आतंकवादी जिस तरीके की तैयारी कर रहे हैं उससे निपटना हमारे सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इसी तरीके से यहाँ पर इनको तैयार किया जा रहा है कि कोई भी आतंकी इनके ऊपर हमला न कर सके। इस ट्रेनिंग का मकसद जनरली ये है कि जब किसी एरिया में आतंकवादियों ने हाइड आउट्स बनाए होते हैं, हमें उनके हाइड आउट को बस्ट करने के लिए उनके नज़दीक से नज़दीक जाना होता है। तो ये ऑब्स्टिकल्स जवानों को इस चीज़ की प्रैक्टिस दी जाती है कि आप ज़मीन से सट करके चलें, अगर आपका लेवल थोड़ा भी ऊपर हो गया तो हम एक्सपोज हो सकते हैं और दुश्मन हमें हिट कर सकता है। दूसरा, जब हमारे ऊपर कहीं अटैक हो गया तो हमें दुश्मन के किलिंग जोन से किस प्रकार से निकलना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस देने के लिए इस ऑब्स्टिकल्स को बनाया गया है। सीआरपीएफ के शूरवीरों को उन हालात से निपटने के लिए भी फौलाद बनाया जा रहा है जिसमें उनका मुकाबला इमारतों में छिपे आतंकियों से होगा। देखिए कैसे X-95 लेजर गन से लैस कमांडो घर में दाखिल होकर आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। रात के अंधेरे में लेजर की किरणें हर नापाक शख्स का एक एक करके सर्वनाश कर रही हैं। X-95 हथियारों से लैस ये सीआरपीएफ के कमांडो हैं। इस वक्त पता चला है कि इस बिल्डिंग के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं और इसी को लेकर के एक बड़ा ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। मैं भी उसी जगह पर मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं ये सीआरपीएफ के जवान। सीआरपीएफ के जवान दरअसल X-95 जो कि इजराइल से हथियार खरीदे गए हैं, इन हथियारों में लेजर बीम लगी होती है और इसके जरिए ये पूरा ऑपरेशन किया जाता है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस घर के अंदर जो आतंकी छिपे हुए हैं उन आतंकियों को लेकर के यहाँ ऑपरेशन किया जा रहा है। कश्मीर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं इन हालात को देखते हुए इस तरीके की यहाँ तैयारी कराई जा रही है। लेकिन जब हालात और भी मुश्किल होते हैं, मकान की आड़ में जब घाटी के आतंकी गोलियां बरसाते हैं, जब उन पर कब्जा करना होता है तो दीवार पर सीधी चढ़ाई के लिए पावर क्विक असेंडर ट्रेनिंग काम आती है, जहां मशीन की ताकत कमांडो के मिशन को परवान चढ़ाती है। विशेष तौर पर तैयार किए गए ये कमांडो आतंक का अब खात्मा कर देंगे। आपको दिखाना चाहेंगे कि सीआरपीएफ के कमांडो किस तरीके से स्पाइडर मैन के तरीके से इस बिल्डिंग में, जो चार मंजिला बिल्डिंग है, उससे कैसे उतरते हैं और इसी क्रम में ऊपर चढ़ने की भी ये कोशिश करते हैं। दरअसल ये तमाम चीज़ें इसलिए तैयार कराई जा रही हैं क्योंकि आतंकी गतिविधियां जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पर बढ़ रही हैं, वैसे में ये पावर क्विक असेंडर यानी एक मशीन के जरिए कैसे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है और वहां पर आतंक का खात्मा करना है। कश्मीर के लिए एक विशेष टुकड़ी तैयार की गई है जो कश्मीरी परिस्थितियों से जूझने के लिए हर तरह से तैयार है। इन कमांडोज को हम प्रशिक्षण के बाद श्रीनगर और इस तरह के प्रभावित इलाके जहां पर उग्रवाद आतंकवाद का ज़्यादा खतरा है डिप्लॉय करेंगे। इनका प्रशिक्षण इस तरीके से है कि किसी भी तरीके का हालात हो हम बर्बाद करेंगे। और अब देखिए इस हैरतअंगेज ट्रेनिंग को, नाम है मडाटीनो ट्रेनिंग। पानी और कीचड़ से जूझते हुए कमांडो अपने मिशन को पूरा करने के लिए तमाम दुश्वारियों को सहने के लिए तैयार है, बिल्कुल अमेरिकी सील कमांडो की तर्ज पर। सीआरपीएफ के ये वो कमांडो हैं जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन इनको खास तौर पर इस समय तैयार किया जा रहा है कश्मीर के लिए, इसलिए क्योंकि इनकी ट्रेनिंग है ये मडाटीनो ट्रेनिंग, यानी कि अमेरिका के जो सील कमांडो हैं इनको भी इसी तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है और सीआरपीएफ वैसी ही ट्रेनिंग पा करके अब अलग अलग जगहों पर पहुँचेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी हमलों का खतरा बना हुआ है और जंगल और नादे नाले और नदियां वहां पर मौजूद हैं, वैसे में किस तरीके से इन जवानों को वहां पर हमला करना है, किस तरीके से अपने आप को किसी भी हमले से वहां पर बड़े स्तर पर काम करना है, कोई संकोच ना हो, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कमांडो यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं। मडाटीनो एक्सरसाइज हम लोगों ने जवानों के शरीर के सारे अंगों को तैयार करने के लिए
और उनको विशेष परिस्थिति में भी अपनी ड्यूटी सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ये हम लोगों ने ट्रेनिंग का तरीका अख्तियार किया हुआ है, जिसमें हर परिस्थिति में जवान किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार रहता है। जम्मू कश्मीर में जंगलों की बहुतायत है, घने पेड़ों के सहारे आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए भी स्पेशल कमांडोज को जंगल वॉरफेयर और टारगेट शूटिंग का खास प्रशिक्षण दिया गया है। कश्मीर में तैनाती के लिए 500 सीआरपीएफ कमांडो को सीटीटी यानी काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग में शूटिंग की क्षमता पर खास ध्यान दिया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर घने जंगल होते हैं और उन जंगलों के अंदर ऑपरेशन करना काफी कठिन होता है। इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जंगल में किस तरीके से आतंकवादियों से निपटना है उसको लेकर के सीआरपीएफ के कमांडो तैयार किए गए हैं। ये पूरा नया तरीका है तैयारी का सीआरपीएफ कमांडो का, और इस तरीके से तैयार किए गए कमांडो अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर में तैनात किए जा रहे हैं। स्थिति स्पष्ट है कि जिस तरीके से लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे में इनसे निपटना किस तरीके से है वो पूरी तैयारी यहां पर दिख रही है। जब हिंदुस्तान के इन 20 सपूतों के दिल दिमाग और जिस्म में इतनी काबिलियत भर दी जाए तो भला मुट्ठी भर आतंकियों और पत्थरबाजों की क्या बिसात। जितेंद्र बहादुर सिंह, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, आज तक। पत्थरबाजों पर नकेल के लिए स्पेशल कमांडो की फौज यूं ही तैयार नहीं होती है। इसमें वही जवान शरीक हो सकते हैं जो रोजाना 40 किलोमीटर चल सकते हैं, जो हर रोज 16 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। इसके बाद जो फौलाद पैदा होता है वो किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए काफी होता है। इनकी हिम्मत, इनकी ताकत और इनके हौसले को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा हो जाए। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के आतंकियों को निस्तनाबूद करने के लिए X-95 गन, AK-47, CGRL रॉकेट लॉन्चर, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, UBGL ग्रेनेड लॉन्चर, स्पेशल 5-1 मोर्टार, इंसास राइफल, MP5 पिस्तौल के इस्तेमाल में CRPF के इन खास कमांडो को पारंगत बनाया गया है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि शिवपुरी में सीआरपीएफ के इस कमांडो ट्रेनिंग स्कूल में टिकना हर किसी के लिए मुमकिन या आसान नहीं है। CIAT स्कूल यानी काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल में वही रह सकता है जो रोजाना 40 किलोमीटर पैदल चल सके, जो हर रोज 16 किलोमीटर दौड़ सके, जो प्रतिदिन 18 मिनट में 26 बाधाएं पार कर सके, जो जंगल में 5 से 6 दिन बिना खाए पिए सिर्फ जंगली सामान का इस्तेमाल कर जिंदा रह सके। ट्रेनिंग की इसी फहरिस्त में शामिल है हाई वॉल ट्रेनिंग भी, जहां चट्टानों और ऊंची दीवार की बाधा भी बौनी साबित होती है। जैसा खतरा वैसी तैयारी। सीआरपीएफ के कमांडो को इस तरीके से BOAC की एक खास तौर की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें महत्वपूर्ण 26 स्टेप होते हैं, जिसमें स्टेपिंग स्टोन यानी कि ये ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें अगर IED नीचे बिछा दिया जाता है तो उससे कैसे बचना है ये तैयारी यहाँ पर इनको कराई जा रही है। 7 सप्ताह की ट्रेनिंग में सीआरपीएफ कमांडो को शारीरिक ट्रेनिंग, सर्किट PT ट्रेनिंग, क्रॉस कंट्री ट्रेनिंग, GPS ट्रैकर ट्रेनिंग का खास प्रशिक्षण दिया जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि CRPF के स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग का 40% हिस्सा रात के अंधेरे में पूरा किया गया। देश के इन जांबाज सैनिकों के टारगेट पर कश्मीर के आतंकी हैं, वो आतंकी जो लगातार अपनी नापाक साजिश से हिंदुस्तान के लिए नासूर बन चुके हैं। जी हाँ, और जब ट्रेनिंग की इतनी मजबूत नींव डाली गई तो सैनिकों का दिल क्यों ना मांगे मोर। मोर मतलब दहशतगर्दों का पूरा खात्मा। हमारी प्राचार्य महोदय के अनुसार जल, स्थल, भूमि जहां भी जैसे भी जिस भी हालत में भेजेगी हम जाने के लिए तैयार है। किसी भी हालत में हम बर्बाद करके, आतंकियों को बर्बाद करके हमारे देश को बचाने के लिए, अपना जान देने के लिए भी तैयार है हम।
यहाँ पर बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स और सब अफसरगण के द्वारा ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि जिससे हम विभिन्न परिस्थिति में कहीं भी किसी भी वक्त मूव करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं है। हम कभी भी किसी भी जगह और कहीं भी ऑपरेशन में जाने के लिए तैयार हैं और दुश्मन को बर्बाद कर देंगे। हमें कठिन से कठिन सिखलाई दी जाती है जिससे हम कभी भी कहीं पर भी कठिन से कठिन टास्क को पूरा कर सकते हैं। हम किसी भी ऊंचाई पर्वत कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसे सिखलाई हमारे दी जा रही है। हम अपने दुश्मन को बर्बाद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सुना आपने, फौलाद बन चुके इन जवानों की दहाड़ को। अब सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाने वाले इन नकाब पोशों का होगा मुकम्मल इलाज। कश्मीर के पत्थरबाजों और आतंक का होगा सफाया, क्योंकि आतंकियों के गढ़ में घुसकर आतंक के खात्मे के लिए स्पेशल 500 का प्रहार शुरू हो चुका है। जितेंद्र बहादुर सिंह, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, आज तक।